खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। चलिए सीधे लखनऊ का रुख करते हैं, जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या था? और मैं निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसके पीछे कारण था यहां का परंपरागत उद्यम, जिस परंपरागत उद्यम ने उत्तर प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय को देश की प्रतिव्यक्ति आय से अधिक किया था। उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्धशाली प्रदेश था, लेकिन उस परंपरागत उद्यम की उपेक्षा हुई, उसको हर एक क्षेत्र में उपेक्षित किया गया, उसके नजरअंदाज किया गया और उसका परिणाम हुआ कि इस उद्यम से जुड़े हुए सभी उद्यमी निराश हो गए, हताश हो गए। हताशा और निराशा के इस वातावरण में उन लोगों के कारण केवल उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई, अपितु पूरे प्रदेश के विकास पर इसका विपरीत असर पड़ा और अंततः आज की स्थिति क्या थी? 2017 में जब लोग आए तो नेशनल एवरेज के आधे से कम उत्तर प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आय ही रह पाई थी, लेकिन हम लोगों ने 2017 के बाद जब प्रदेश के परंपरागत उद्यम को बढ़ाने के लिए प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी एक अभिनव योजना प्रारंभ की और हम लोगों ने मैपिंग की हर एक जनपद की, किस जनपद का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस जनपद को पहचान दिलाया था या पहचान दिला सकता है, जो कम पूंजी में अधिक रोजगार दे सकता है, ज्यादा लोगों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सकता है। तो हम लोगों ने जब इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम है। 18-19 के जो आंकड़े पूरे देश के हैं, देश के अंदर लगभग हर राज्य का जो एक्सपोर्ट है वह केवल 6 से 8% बढ़ा है और अकेले उत्तर प्रदेश है जिसने अपनी एक योजना के माध्यम से अपने एक्सपोर्ट को 28% से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की और लगभग 5 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे से नौकरी रोजगार से जोड़ने का कार्य किया। वह हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वह योजना है जो प्रदेश के अंदर और पहले से सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। आप चले जाइए मुरादाबाद में, वहां पर पीतल का कार्य किस रूप में होता है, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड है, लेकिन उसकी मैपिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसको हर प्रकार से प्रोत्साहित करने की समझ कार्य होना चाहिए था, उसका अभाव था। कार्य सरकार ने प्रारंभ किया, उनको टेक्नोलॉजी दी, उनको नई डिजाइन दी, आज वे आगे काम कर रहे हैं। अब अलीगढ़ में जाइए, हार्डवेयर का काम दुनिया के अंदर बेहतरीन तरीके से अलीगढ़ के अंदर होता है, वहां का उद्यमी सरकार ने थोड़ा प्रोत्साहन दिया, उन लोगों ने विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे जुड़े। कन्नौज का इत्र फिर से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसकी डिमांड होने लगी, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग, मेरठ में स्पोर्ट्स के आइटम, भदोही के कारपेट का उद्योग, यानी कौन सा ऐसा जिला है जिसमें कुछ ना कुछ न हो, सब कुछ है, लेकिन उसको प्रोत्साहित करने, उसकी मैपिंग करने, इसका कार्य ईमानदारी के साथ नहीं हुआ। जहां ईमानदारी के साथ थोड़ा भी प्रोत्साहित किया गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जैसे ही हमने उन उद्यमियों को और युवाओं को जोड़ा, देखते देखते उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों में 28% अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की और आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में कदम बढ़ रहा है जब देश के 3 टॉप के एक्सपोर्ट जो स्टेट होंगे उनमें से उत्तर प्रदेश की अपनी एक गिनती होगी और मुझे लगता है कि यह आर्थिक जनगणना से जुड़े हुए वो एक कार्य होंगे जिनकी मैपिंग आपके माध्यम से सही आंकड़ों के माध्यम से की जा सकती है। दूसरा, इसके माध्यम से हम उन सभी क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं कि क्या हमारे पास है और कौन सी संभावनाएं आर्थिक जगत की उन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, हमें ठोस रोड मैप आगामी 5 वर्ष के लिए फिर से प्रारंभ करने के लिए तैयार कर सकते हैं और यह कार्य भी इसके माध्यम से बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि आज जब यह कार्यक्रम यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आगामी 3.5 महीनों के दौरान आपके द्वारा ये जनगणना की जाएगी और जनगणना के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी है, साथ साथ जनपद स्तर पर जिलाधिकारी समिति के अध्यक्ष हैं
और इस समिति में हमारे प्रदेश के जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं 1,97,974 61,184 जो विलेज लेवल इंटरप्रेन्योरशिप या सुपरवाइजर लेवल वन के कार्य करने वाले हैं, ये सभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आप आर्थिक जनगणना को आगे बढ़ाएंगे। हमारे 18 कमिश्नरी हैं, 75 जनपद हैं, इसके अलावा 350 हमारे पास तहसीलें हैं, 823 के पास 23 हमारे पास विकास खंड हैं और लगभग 652 हमारे पास पहले नगर निकाय थे जो हम नई प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, ये लगभग 700 के आसपास पहुंचेंगी। इन्हीं सबको केंद्र बिंदु में रखकर के अगर आपकी ये जनगणना की कार्रवाई होगी तो बहुत अच्छे परिणाम इसके आ सकते हैं और ये हमें आने वाले समय में उन सभी उद्यमियों के विकास के लिए ठोस कार्य योजना बनाने की दिशा में एक नई दिशा देने में आपकी आर्थिक जनगणना बड़ी मददगार हो सकती है, जो उत्तर प्रदेश को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और आने वाले समय में उस कार्य योजना के माध्यम से 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में उस कार्य योजना के माध्यम से सफलता प्राप्त हो, इसके माध्यम से इसकी आधारशिला आर्थिक जनगणना बन सकती है। लेकिन इसके लिए फील्ड में उतरना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें स्वयं भी जाना पड़ेगा, एक एक कार्य को स्वयं भी देखना पड़ेगा। आपने एयर विकसित किया है, टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, हम उसको किसी एक के साथ जोड़े जरूर और 3.5 महीनों तक आपका कार्य चलेगा। आप जानते होंगे अभी सर्दियों का समय है, बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो सर्दियों के समय में ऊनी का काम एक बाजार में करते हैं और स्वाभाविक रूप से जैसे ही सर्दी उतरेगी वह दूसरा काम करने के लिए दूसरे बाजार में फिर चले जाएंगे। हम ऐसा कौन सा कार्य देखें कि जिसके माध्यम से हम तय कर सकें कि हर एक उद्यमी की पहचान सही तरीके से हो सके और दिशा में आपको प्रयास करना होगा। दूसरा, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब जीएसटी की कार्रवाई जीएसटी लागू हुआ था, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उस हर व्यापारी को 10,00,000 रुपए का एक बीमा दिया है कि अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो उस व्यापारी को 10,00,000 रुपए की बीमा प्रदेश सरकार देगी, उसमें उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो। लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जहां पर अभी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई नहीं हो पाई है। फिर इसके अलावा बहुत सारे छोटे बड़े कस्बे हैं जहां पर अभी तक कोई पहुंच ही नहीं पाया है, वहां तक हमें पहुंचना। लगभग 2,00,000 से ऊपर हमारे पास राजस्व गांव है, इन राजस्व गांवों में भी जाना, यहां पर भी चलने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी देखना और ये लगता है सही तथ्यों को एकत्र करके अगर इस आर्थिक जनगणना को आगे बढ़ाने में आप सफल होंगे तो आप देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश देश की आर्थिक महाशक्ति बनने की क्षमता रखती है और उस आर्थिक महाशक्ति को बनाने के लिए आप सबके द्वारा जिस एक अभियान के साथ जुड़कर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं वह अभियान सफलतापूर्वक अगर आप आगे बढ़ा पाएंगे तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार पुनः आप सबके सम्मान के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आर्थिक जनगणना न केवल आंकड़ों को एकत्र करने के लिए अपितु प्रदेश को भी और देश को भी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अग्रसर करने के लिए एक बहुत बड़े आधार स्तंभ के रूप में कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।